एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। इतने में ही एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आई। शेर ने दो चार दिनों से स्नान नहीं किया था। वह मक्खी शेर के कानों के पास आकर भिन भिनाने करने लगी। उस शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने नींद में ही अपना पंजा उठाया, मक्खी वहां से उड़ गई। लेकिन फिर से मक्खी शेर के कानों के पास आकर भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। वह बोला, अरे मूर्ख मक्खी, दूर हट जा, नहीं तो तुझे अभी जान से मार दूंगा। मक्खी धीरे से बोली, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से यह बातें अच्छी नहीं लगती। शेर ने कहा, एक तो तू मुझे सोने नहीं देती और दूसरी मुझसे जवाब करती है, चुप हो जा वरना। मक्खी बोली, वरना क्या, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आओ। शेर आग बबूला हो गया। उसने कान के पास जोर का पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन शेर का कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठ गई। शेर ने फिर पंजा मारा, मक्खी फिर उड़ गई, लेकिन शेर का नाक छिल गया। इस तरह मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती तो कभी उसके मुंह पर, और कभी उसके गर्दन पर शेर पंजा मारता जाता और खुद ही गया होता जाता था। मक्खी तो तुरंत उड़ गई। अंत में शेर थक गया। वह बोला, मक्खी मैं हारा और तुम जीत गई, अब यह लड़ाई बंद करो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती हुई आगे बढ़ी। उसे रास्ते में एक हाथी मिला। मक्खी बोला, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। मैंने बोला, मैंने अभी अभी जंगल के राजा शेर को हराया है। हाथी ने सोचा, इस मक्खी से बहस करना मूर्खता है। उसने मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। झाड़ियों में बैठी एक लोमड़ी यह सब देखकर हंसने लगी। इतने में ही मक्खी उड़ती हुई लोमड़ी के पास आई। मक्खी बोली, लोमड़ी मुझे प्रणाम कर, मैंने अभी जंगल के राजा शेर और इतने बड़े हाथी को हराया है। लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम किया और कहा, मक्खी तुम धन्य हो, तुमने शेर और हाथी को हराया है। इस जंगल में सभी को तुम हरा सकती हो, लेकिन वह मकड़ी को देखो, वह अभी भी तुम्हें बुरा भला कह रही है। यह सुन मक्खी घमंड से आग बबूला हो गई। वह बोली, मैं इस मकड़ी को चुटकी में सबक सिखाती हूँ। यह कहते ही मक्खी मकड़ी की तरफ बढ़ी और जैसे ही वह मकड़ी पर झपटी, उसके जाल में उलझ गई। अब तो बस वह मकड़ी के जाल में उलझ कर रह गई। उसे समझ आ गया, घमंड नहीं करना चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।